बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देसी किचन विद जवेद एंड बिलोग की तरफ से हम आप लोगों के साथ हाजिर हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से होंगे। माशाल्लाह सुबह सुबह का टाइम है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात का लाख लाख शुक्र है। नमाज पढ़ कर बैठे, अल्लाह पाक ने हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत बनाई है नमाज की। नमाज पढ़ कर बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये चाय पी रहे और अभी डेरे पे भी जाना है, दूध लेकर आना है और बच्चों को स्कूल भी छोड़ना है और उनको स्कूल से लेकर आना भी है और माशाल्लाह स्कूल खुल चुके हैं। तो आप लोगों के साथ आज के दिन की हम मुकम्मल अपनी रूटीन शेयर करेंगे कि किस तरीके से आज का दिन मेरा गुजरा है। चाय पीते हैं और चाय पीने के बाद स्टार्ट करते हैं कि कहाँ डेरे पर जाना है पहले, फिर उसके बाद बच्चों को स्कूल छोड़ना है। कुर्बानियाँ वाला जो हमने वैडा लिया था उसके लिए खाल डाल रहे हैं ये, तो उसको खाल डालते हैं जो कुर्बानी के लिए हमने वैडा लिया था उसको। ये जो हमने मुर्गे रखे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनकी खुराक डाल रहे हैं। ये मुर्गों की खुराक, अभी ये मेरी ड्यूटी होती है सारी, अभी हमने मुर्गों की खुराक डाल दी साथ में और ये खल भी मोटरसाइकिल पे चढ़ते डेरे पे जाते हैं, वहाँ पे दूध लेकर आएंगे और मुर्गों को डालेंगे ये खुराक वगैरह और कुर्बानी वाला जो बैड़ा लिया उनमें उसको खल डालेंगे। अभी डेरे की तैयारी होगी, हम डेरे पे जा रहे हैं। रोड से हम निकल आया, चल खड़े रोड पर अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे डेरे को जाने के लिए रास्ता जाता है ये वाला, कच्चा रास्ता आगे डेरे को जाता है। ये हमारे डेरे को जाने के लिए रास्ता जाता है, कच्चा रास्ता है, थोड़ा सा रेतली जगह है जहाँ पे जाना थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ी सी रेत वाली जगह है यहाँ पे, थोड़ा मोटरसाइकिल को स्लिप होने का खर्चा होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आना जाना रोज़ाना का हमारी प्रैक्टिस हो चुकी है, हमें कोई मुश्किल नहीं लगता। ये हमारे भाई चारा काट रहे हैं, चारा हमारा अभी बहुत छोटा हो गया है, यानी कि अभी गर्मी का मौसम है, जून जुलाई तक ये थोड़ा सा मुश्किल होती है, फिर आगे मौसम सेट हो जाता है तो अल्हम्दुलिल्लाह चारा बढ़ जाता है, बाजरे वगैरह सही हो जाते हैं। हमारा डेरा, ये डेरे पे आने की ये रूटीन है हमारी। सबसे पहले ये बेचारा एक बांधा होता है, ये बहुत सख्त है, ये काट भी लेता है, तो इसको हमने बांधा हुआ है और इनको डॉगी को रोटी वगैरह डालते हैं। ये साथ में बिल्ली आ गई, उसको पता चला कि हम आ गए। ये हमारे मुर्गियों की जगह है जो हमने मुर्गियां बनाई थी देसी किचन के लिए, देसी मुर्गियां हमने बनाई थी एंड व्लॉग जो हमारा है इसमें ये हमारी रोज़ की रूटीन है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मुर्गियां अभी बिल्कुल तैयार हैं, बीच में एक दो अंडे भी तीन चार दे रही हैं, तो अभी इनको खुराक डालते हैं। एग मास्टर है ये वाला, ये अंडे लेने के लिए हम डाल रहे हैं इसमें खुराक में, जिसमें अंडे जल्दी देती हैं। एग मास्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं हम इंशाल्लाह,
अभी 3-4 अंडे दे रहे हैं, फिर इंशाल्लाह अगले दिनों तक ज्यादा अंडे देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इनको खुराक डाल दिए, अभी दूध लेते हैं, वापस जाते हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ना उनका टाइम हो गया स्कूल का। दूध लेकर हम आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह डेरे से, तो ये चारा हमारे पास है, हमने छोटा सा इधर घर पे एक शेरू रखा है उसके लिए, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ये शेरू है, ये बहुत छोटा सा था, हमने इसको पाला है, लेकिन इंशाल्लाह इसको मुकम्मल तैयार करेंगे। तो दूध लेकर आए, इसको चारा डालते हैं। आ चारा, दूध हमने रख दिया है, अभी बच्चों को स्कूल छोड़कर आते हैं, बिल्कुल बच्चे तैयार बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चे तैयार हो चुके हैं, ये हमारा मुन्ना तैयार हो चुका है स्कूल जाने के लिए, कलर में जा रहा है, कपड़ों में, यानी कि यूनिफॉर्म अलाउड नहीं है, तो अभी हम इनको स्कूल छोड़ने जा रहे हैं, माशाल्लाह 1 क्लास में है। अल्हम्दुलिल्लाह हम बच्चों को छोड़ कर गए थे, छोड़ने के बाद मैं मंडी पे चला गया था, सब्जी मंडी के वहाँ से सब्जी खरीदी है, बहुत फर्क होता है मंडी और बाजार से, वैसे अभी वहाँ पे मुझे 120 रुपए के 5 किलो प्याज मिले हैं, तो वैसे आम रूटीन पे यहाँ पे 50-60 रुपए किलो के हिसाब से शॉप पे सेल कर रहे होते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मंडी पे जाने पर ये फ़ायदा होता है कि चीज़ सस्ती मिल जाती है। माशाल्लाह अभी दोपहर का टाइम हो गया है, हम खाना खाने लगे, आप लोगों के साथ सुबह की रूटीन शेयर की थी कि कैसे दूध लाया है, दिन को मुर्गी को खुराक वगैरह डाली थी और बच्चों को स्कूल छोड़ा था, अभी दोपहर के टाइम में बच्चों को लेकर आ गए स्कूल से, अभी खाना खाने लगे, तो खाने में क्या बनाया था, मिक्स कर हमने बनाया था जी मटन हांडी जो है वो अभी खा रहे हैं, तो हमारी मोहब्बत तब है कि आप लोग हमारे साथ कमेंट करें, शेयर करें, ये आप लोगों की मोहब्बत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह बहुत बेहतरीन बन चुका है मटन हांडी। माशाल्लाह हम सब ने खाना खा लिया और अभी मैं बर्तन धोने लगी हूँ, फिर हम डेरे पे जाएंगे, फिर अपनी रूटीन जो भी हमारे डेरे की हम आपके साथ शेयर करेंगे, और बर्तन धोकर फिर चाय बनाते हैं, फिर चाय बना करके 3 हो जाते हैं, फिर इतने बजे तो हमें डेरे पे निकल जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आज के दिन की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की है अपनी डेली रूटीन के हिसाब से, तो अभी हम दोनों मियाँ बीवी आए हैं, ये हमारा एक अल्हम्दुलिल्लाह बिज़नेस हमने बनाया हुआ है, ये बेसिकली बिज़नेस जो है ये हमारी बच्चों की पढ़ाई के लिए है, ताकि उनकी जब स्कूल की फ़ीस वगैरह आती है तो इधर से एक आधा बकरी बेची और उनकी फ़ीस वगैरह अदा कर दी, तो ये बकरियाँ हमारी,
तो इनका सुबह और शाम को चराने का टाइम होता है। अभी हम इनको चराने के लिए लेकर आए हैं और आज के दिन की वीडियो आप लोगों के साथ हमने शेयर की है। हमारे चैनल देसी किचन विद जावेद को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाएं। इंशाल्लाह इसी तरह के वीडियो डेली रूटीन के हिसाब से और रेसिपीज के हिसाब से आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक अल्लाह।